बसमीम डिप्रेशन डिप्रेशन एक आम और संगीन तबी हालत है जो नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है कि इंसान कैसे महसूस करता है सोचता है और रोज़मर्रा की सरगर्मियों को कैसे संभालता है ये उदासी नाउमीदी और सरगर्मियों में दिलचस्पी या खुशी की कमी के मुसलसल एहसास की खसूसियत है जो कभी लुत्फानदोज़ होते थे डिप्रेशन मूड के आर्जी उतार चढ़ाव से आगे बढ़ता है और ज़िंदगी के मुख्त पहलुओं में काम करने की किसी शख्स की सलाहियत को नुमाया तौर पर मुतासर कर सकता है यकीनी तौर पर आइए अलामत और जज्बा को थोड़ा गहराई से डिस्कस करें डिप्रेशन की अलामत नंबर एक जज्बाती इसमें शामिल है दायम उदासी नाउमीद या बेबस महसूस करना चिड़चिड़ापन कसूरवार या बेकार महसूस करना नंबर दो इलिम तोज् मरकोज़ करने या फैसला करने में दुशवार यादाश्त के मसाइल अपने या मुस्तबिल के बारे में नेगेटिव थाट्स नंबर थ्री जिसमानी अमार भूख में तब्दीली वज़न में कमी या बढ़ने का बायस बन सकती है थकावट या तो की कमी बेखवाबी या ज्यादा नींद बगैर किसी वाज जानी वज़ा के दर्द और पेन नंबर चार तर्ज अमल के अलातार सरगर्मियों में दिलचस्पी या खुशी का नुकसान सोशल विड्रावल काम या स्कूल की प्रोडक्टिविटी में कमी मौत या खुदकुशी के ख्याल अब बात करते हैं कुछ वजूहत के बारे में बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन ज, जेनेटिक्स डिप्रेशन की फैमिली हिस्ट्री भी खतरे को बढ़ा सकती है नंबर दो दिमाग की केमिस्ट्री न्यूरो ट्रांसमीटर में आदम तोजुन में इसमें हिस्सा डाल सकता है नंबर दो नफसियातीमिलसनैलिटी बाज शख्सियत की खसूसियात जैसे कि कम खुदातमादी या मायूसी का नुक़ः नज़र डिप्रेशन से मुंसलिक किया जा सकता है ट्रामा या स्ट्रेस ज़िंदगी के अहम वाक़ जैसे ट्रामा नुकसान तवील स्ट्रेस या ये डिप्रेशन को मुतहर कर सकते हैं मालियातीमल है इब्तदाई बचपन के तजर्बात बचपन के दौरान एडवर्स एक्सपीरियंस जैसे कि बदसलूकी या नज़रअंदाज होना ख़तरे को बढ़ा सकते हैं सोशल आइसोलेशन मज़बूत सोशल सपोर्ट सिस्टम की कमी भी इसमें हिस्सा डाल सकती है नंबर चार मेडिकल कंडीशन क्रॉनिक क्रॉनिकस दायमी दर्द या लॉन्ग टर्म सेहत के मसले ऐसे आल आलत डिप्रेशन का में हिस्सा डाल सकते हैं हारमोडल चेंजेस हारमोडल इंबेलेंस जैसे कि हमल या मीनोपोज के दौरान एक किरदार अदा कर सकती हैं डिप्रेशन के इलाज के इख्तियार बीमारी की शिदत और अनफरादी अवामल के लिहाज से मुख्त हो सकते हैं यहाँ कुछ आम नुकत नज़र आए हैं नंबर एक साइकोथेरेपी है जिसको टॉक थेरेपी भी कहा जाता है इसमें शामिल है कन्जरेटिव बिहेवियल थेरेपी यानी सी बी टी नगेटिव सोच के पैटर्न और तर्ज अमल की शनाख्त और तब्दीली पर तोज मरकूज करता है नंबर वन पॉइंट टू इंटरपर्सनल थेरेपी यानी आई पी टी बाहि मसाइल को हल करता है और कम्युनिकेशन तल्ल को बेहतर बनाने में मदद करता है वन पॉइंट थ्री साइको थेरेपी गैर चोरी पैटर्न और माजी के तजर्बा को दरियाफ़ करता है जो मौजूदा तर्ज अमल को मुतासर कर सकते हैं नंबर दो अद्वियात एंटी डिप्रेसेंट्स अद्वात की मख्तें हैं जिसमेंट री अपटेक जैसे एस एस आर आइज और नॉन अपराप्री री अपटेन्ट जिसमें एस एन आर आइज़ और दीगर तजवीज़ की जा सकती हैं बोर्ड स्टेबल एंटी सकोटिक्स बाज अव बाज़ किस्म के डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रशन के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं ट्रांस मैग्नेटिक प्रास्क्रेनियल मैगनीटिक दिमाग में नर्व सेल को मुताह करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कर इस्तेमाल करता है आमतौर पर इन लोगों के लिए गौर किया जाता है जिन्होंने एंटी डिप्रेस दवाइयों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला लाइफ स्टाइल चेंजेस बाकायदा वर्जिश जिसमानी सरगर्मी के मूड पर मिसबत असर मरतब होते हैं ये दूसरे इलाज की तकमील कर सकते हैं सेहतमंदा ग्रिजा, गई से भरपूर गज़ाय मजमूरी सेहत में असर डाल सकती हैं मुनासिब नदावरी सेहत के लिए बाकायदा नींद का पैटर्न बहुत ज़रूरी है जहन साजी और अनाम की तकनीक मुराबा, योगा और गहरी सांस लेने वाले से मशंस् स्ट्रेस को संभालने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं सपोर्ट ग्रुप सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना या कम्यूनिटी की सरगर्मियों में शामिल होना आपस में तल्लु और रफाव तफीम का अहसास फ्राह्म कर सकता है सेल्फ हेल्प स्ट्रेटीस अपनी मदद आपकी किताबें पढ़ें दिमागी सेहत के ऐप्स का इस्तेमाल करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ुद की देखभाल की सरगर्मियों में शामिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है डिप्रेशन में मुखला अफराद के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी मखसूस सूरत हाल के लिए मुनासिब तरीन इलाज के मनसूबे के तयन करने के लिए अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मशवरा करें इलाज में अक्सर इलाज के तरीकों का एक मजमू शामिल होता है जो फ़र्द की ज़रूरिया को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है पेश रफ्त की निगरानी और ज़रूरत के मुताबिक इलाज के मनसूबे में एडजस्टमेंट करने के लिए डॉक्टर के साथ बाकायदा फॉलोअप और खुली बातचीत करना बहुत ज़रूरी है शुक्रिया